तो गाइस इतने दूर आए हम लोग मेहनत करने के लिए और ट्रेजेडी क्या हुई कि सो गाइस ये इन्वेंशन में आएगी, ये बन के अंदर डाल। सो हे गाइस, दिस इज आयुष एंड यू आर ट्यून्ड टू मिस्टर मैन। आज है भाई 19th ऑफ जून और बारिश इतनी ज़्यादा भयंकर पड़ी कि मुझे कहीं जाना था। मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था आप लोगों को कि मुझे कहीं जाना था, बट वो प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि बारिश की वजह से। अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश रुकी है, सड़क देख लीजिए पूरी गीली है। वेदर इज 28 डिग्री सेल्सियस, मौसम तो काफ़ी इस समय ठीक है, बट पता नहीं क्यों गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है इस समय। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ स्टेशन पे, शशांक यहाँ पे वेट कर रहा है मेरा और उसकी साइकिल मैं शिवम क्या रखा था, तो उसकी साइकिल लेते हैं और ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। बट भाई मौसम नहीं रोक सकता है, तो हो सके तो मैं आज नहीं तो कल, आज तो वैसे भी नहीं जा पाऊंगा, कल नहीं तो परसों मैं कहीं ना कहीं जरूर जाऊंगा और आप लोग को आगे का जो सीन है ना भाई साहब, जो मैं जहाँ जाने वाला हूँ वहाँ का एंजॉय बहुत ही मज़ा आएगा। मतलब देखने में मैं कहाँ जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, किसके पास जा रहा हूँ, तो देखने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो अभी पहले शशांक को देखते हैं वो कहाँ है स्टेशन पे और फिर आगे ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। सो ये रहे हमारे मास्टर ब्लास्टर भाई। हेलो। सो गाइस शशांक की जो साइकिल है वो नई यहाँ पे से उठाई जाएगी क्योंकि ब्लॉक करने हम लोग जा रहे हैं। साइकिल नहीं ली गई है और अभी हम लोग चल रहे हैं थोड़ा सा ब्लॉक कंटिन्यू करने, क्योंकि साइकिल ले लेते तो ब्लॉक नहीं हो पाता, इस वजह से बाइक से ही चलना कर दिया गया। सो गाइस आप रास्ता देख रहे हो, इस रास्ते पे बाइक चल रही है और हम तीन लोग बैठे हैं बाइक पे, तीन लोग, और ये रास्ता है। अभी आए हैं बैंक में, ये शिवम को कुछ काम था यहाँ पे बैंक में, तो बैंक आए हैं कुछ यहाँ से काम निपटाते हैं और बैंक खुल चुके हैं वैसे तो यहाँ पे, तो बैंक में काम निपटाते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस यहाँ पे आए थे अभी पेट्रोल भरवाने, अब चलते हैं थोड़ा सा बाहर, मौसम काफी अच्छा हो गया, अभी तो थोड़ी धूप लग रही थी बट अब हवा चल रही है, तो अब ट्रिपल राइडिंग के साथ चलते हैं। सो गाइस जो मेरी 12th की स्कूलिंग थी वो रहा स्कूल वहाँ पे रेड कलर का, वो स्कूल रहा, तो वहाँ पे मेरी स्कूलिंग 12th की हुई थी वो पीछे। सो गाइस गाजीपुर से काफी हम लोग दूर आ गए, यहाँ पे मौसम इतना बढ़िया था कि मतलब चलते चलते मैं शिवम और शशांक काफी दूर आ गए, शायद यहाँ से प्लान बन रहा है, यहाँ पे गंगादास बाबा का आश्रम है कि मठ है ऐसा कुछ है ना, आश्रम है, तो हो सके तो वहां पे जाएंगे। और यहाँ का वेदर देखिए यार, व्यू देखिए कितना बढ़िया व्यू लग रहा है। सो गाइस करते हैं यहाँ से आगे चलते हैं और काफी मजा आ रहा है, वेदर काफी अच्छा है यार, तो अब आगे चलते हैं और वहां पे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच के आपसे मिलते हैं, तब तक रास्ते का व्यू एंजॉय कीजिए। मेन एंट्रेंस है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग गांव पे आए और ये देखिए यार सनफ्लावर के पूरे यहाँ पे, वाओ यार क्या मौसम है। तो गाइस बारिश होने लगी है इतनी तेज कि हम लोग पूरे भीग चुके हैं, बट यहाँ पे हवा यहाँ पे काफी तेज थी, इस वजह से मेरी आवाज रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी, तो मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा था कि बारिश बहुत तेज हो रही थी यहाँ पे और गाजीपुर में बिल्कुल बारिश नहीं हो रही थी, बट यहाँ जैसे ही 2 किलोमीटर के अंदर रेंज में आए मटके तो आश्रम के सॉरी तो बारिश बहुत तेज होने लगी, और इतनी मेहनत को देख के लाइक कर दिया करो यार। अंदर जाने दिया है कि नहीं भैया? बंद है, कब खुलता है ये? 3 बजे के बाद। सो गाइस इतने दूर आए हम लोग मेहनत करने के लिए और ट्रेजेडी क्या हुई कि
हम लोग गाजीपुर से अप्रोक्स, गाजीपुर से हम लोग 15 किलोमीटर के आसपास हम लोग आए और ट्रेजेडी क्या हुई, ये यहाँ ताला बंद है। और भैया लोग अभी पीछे से बात हुई तो वो लोग कह रहे हैं कि 3 बजे के आसपास खुलता है, वो भी शायद ही खुलेगा क्योंकि इस समय लॉकडाउन का सीजन चल रहा है, तो खुले ना खुले बरसात का है। तो ये पूरा मठ है, आप मेरे पीछे देखो पूरा ये एरिया जो है वहां से लेके वो पूरा एरिया कवर है, वहां दूर तक ये मंदिर है, तो पूरा ये एरिया है। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग यहाँ पे ब्लॉग नहीं कर सकते यार, बहुत ही बेकार किस्मत है। वो देखो वहां तक, वहां तक पूरा फैला हुआ है, उसके पीछे तक पूरा फैला है। सो गाइस उधर का जो गेट है वो बंद है, बट इधर थोड़ा सा एरिया खुला हुआ है, तो ये सब उन्हीं के अंदर आता है, ये आश्रम के ही पूरा अंडर आता है। सो गाइस ये देखिए यार वहां तक पूरा एरिया था, हम लोग किस्मत ही खराब है। कितना सोचा था कि मतलब यहाँ पे सेल्फी वेल्फी लेंगे आराम से और फिर अपना सिनेमैटिक्स इतना लेंगे, बट बारिश भी हो रही है ऊपर से और ऊपर से गड़बड़ भी, किस्मत फद्दू। फोटोग्राफी मना है आश्रम में। ये इतना बड़ा बरगद का पेड़ लग रहा है कि ऐसे कि हॉरर मूवी यहाँ शूट होती है रात के टाइम, यार कितना यहाँ पे खतरनाक लगेगा। ये व्यू देखिए। सो गाइस यहाँ से हार के पूरा हम लोग चलते हैं वापस से अपने घर की तरफ, और बारिश शायद अभी हल्की हो गई है, हल्की नहीं हो गई है, बंद ही हो गई है, नहीं पड़ रही है, बारिश पड़ रही है, पेड़ के नीचे इतने से ऐसा लग रहा था, बट बारिश पड़ रही है। सो गाइस अभी पीछे मैंने पूछा था वो आश्रम में कि ये जितना भी एरिया आपको दिख रहा है, जितने भी खेत हैं, सब उसी आश्रम के थ्रू ये जितने भी आपको ये दिख रहे हैं। वाह यार ये तो देख के और मजा आ जा रहा है भाई। इधर का ये सिस्टम है ना, जितने भी लोग खेती करते हैं इसमें आश्रम में दान देते हैं, बोरे का बोरा हाँ देते हैं सारे गाँव वासी, प्रवासी चाहे शहर के लोग हुए, जिसका मतलब शुभ कार्य हुआ हम लोग देते हैं यहाँ पे दान। सो गाइस बारिश इतनी तेज होने लगी, हम लोग इतना ज्यादा भींग चुके हैं यहाँ पे, ये देखो मोबाइल हम लोग यहाँ पे सेफ, तो यहाँ पे हम लोग पॉलिथीन लेने के लिए रुके हैं, क्या पता मिल जाए, पूरा भींग चुके हैं, बादल पूरे गीले हो चुके हैं। पर यार ये जो सीन है ना गांव का, मतलब हम लोग थोड़ा सा आउट में आए हैं, तो ये जो सीन है ना बहुत सही लग रहा है। सो गाइस बारिश यहाँ पे बंद हो चुकी है यार, इतना ठंडा लग रहा था कि आके थोड़ा रुके। ये मेरे पीछे रहा लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस की हिस्ट्री तो मैं वैसे नहीं जानता, कभी आऊंगा आप लोग कमेंट करोगे तो मैं पर्टिकुलर इसका व्लॉग बना दूंगा। बट यहाँ से आप देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस भी ऐसे बंद है। सो गाइस ये रहा लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा, ये पूरा ये भी बहुत एरिया में फैला हुआ है, तो यहाँ पे शायद ब्रिटिश रूलर थे ना। सो गाइस शायद ये ब्रिटिश रूलर, यहाँ पे इनकी फांसी लगी थी, यहाँ पे ये लिखा है कि अच्छा ये 31 मार्च तक के लिए ऑल एसएसआई प्रोटेक्टेड। हाँ फांसी नहीं लगे थे वो, यहाँ पे मरे थे। अच्छा मरे थे, फांसी नहीं लगी। तो मुझे तो उतना नॉलेज नहीं है, आप लोग बोलोगे तो पर्टिकुलर एक ब्लॉग बना दूंगा मैं यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस का। और ये मकबरा देखो यार काफी ऊंचा मकबरा है यहाँ का, तो यहाँ के कुछ प्लेसेस में थे। और ये एक बार केबीसी के क्वेश्चन में पूछा गया था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ पे स्थित है, तो वो हार गया था, शायद वो 25 लाख का क्वेश्चन था। तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू यहाँ पे जो भी है ये लगाया जाता है, तो इन्हीं के थ्रू यहाँ पे बोर्डिंग लगी है कि 31 मार्च तक बंद रहेगा। बट मुझे इसके एंट्री का रास्ता नहीं मिल रहा है कि एंट्री कहाँ जाऊँ, और अंदर कोई बैठा भी नहीं है यहाँ पे कि मैं किसी से पूछ सकूँ कि एंट्री कहाँ से होगी। बट कोई बात नहीं, किस दिन आएंगे पर्टिकुलर इसका ही ब्लॉग शूट कर रहे हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि अगर आपको इसका ब्लॉग चाहिए तो मैं इसका ब्लॉग जरूर शूट करूंगा। और अभी तो भाई ठंडी लग रही थी तो यहाँ पे रुके थे, अब वापस से चलते हैं अपने यहाँ पे, क्योंकि जहाँ जाना था वो तो जगह ही बस थी, उतना घूम गया है, वेस्ट हो गया। अभी तक तो सिर्फ बारिश थी और अब धूप और बारिश दोनों साथ में, पता नहीं आपको बारिश दिख रही है कि नहीं, वो पानी उस पर पड़ रहा है, और अब धूप और बारिश दोनों साथ में। सो गाइस आए हैं, फोटोग्राफी चल रही है। सो गाइस अभी बैठे हैं सिर्फ यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, और अभी बारिश हो रही है यार, धूप है फिर भी यहाँ पे बारिश हो रही है, तो बस बैठे हैं थोड़ी देर, भूख लग रही है, तो हो सके मैगी मंगाते हैं, मैगी खाते हैं और फिर आगे ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, पर अभी तो यार मैं यहाँ पंखे में सूख रहा हूँ। सो गाइस ये इन्वेंशन मैगी ये बन के अंदर डाल दी गई और इसमें डाल दिए, देखिए ओ भाई भाई इसका क्या नाम है इस डिश का, मैगी ब्रेड। मैं भी ट्राई करता हूँ ऐसे ही। ओ भाई साहब ये
शिवम का इन्वेंशन नया मैगी ब्रेड। मैगी को पूरा इस ब्रेड के बीच में डाल के इन्होंने बनाया। अभी ये खा के टेस्ट करके बताइए भैया कैसा है। पहले तुम टेस्ट करो। मैंने पहले तुम टेस्ट करो। तो बड़ा मुंह खोल के खा रहा है। एक नंबर। सो गाइस ये नया इन्वेंशन है, ब्रेड है ये बन, ये मीठा ब्रेड है और इसमें मैगी ऐसे लगा के ये हम लोग ट्राई कर रहे हैं। बाहर से बहुत बढ़िया लग रहा है। बढ़िया तो लग ही रहा है भाई, अच्छा लग रहा है। ट्राई नया डिश। हाँ ट्राई इट, अगर आप लोग नहीं खाए तो कभी ट्राई करना, वैसे अच्छा लग रहा है। मतलब कुछ भी इन्वेंट कर देते हैं यार इंडिया वाले हम लोग। कोई मतलब दिक्कत नहीं, भूख लगनी चाहिए बस। सीरियसली मतलब नया इन्वेंशन खा के बड़ा मजा आ रहा है। आप लोग कभी ट्राई नहीं किया तो ट्राई जरूर करना और फिर आप लोग कमेंट में बताना कि ये कैसा लगता है आप लोग को। ये मीठा ब्रेड था और ये मैगी, नॉर्मल मैगी कुछ पड़ा नहीं था बस। अगर आप केचप डाल के खाना चाहो तो भी खा सकते हो। क्या बता रहा हूँ ना, अजीब गरीब इस समय ब्लॉग में कुछ है नहीं तो मतलब कुछ भी होता है। मेरे पास कंटेंट नहीं रहता तो मैं कुछ भी बोले जाता हूँ, बस आप लोग काम सुनना और करना। आज का वीडियो करते हैं, ब्लॉग अच्छा लगा यार, बहुत तेज हो रही है। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करना मत भूलिए। बाय।